क्या ध्रुव जी कहते हैं, महाराज मुझे आप अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, विशुद्ध हृदय के महात्माओं का संग दीजिए। विशुद्ध हृदय जिनके हृदय में कोई दूसरा विषय नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है, ऐसे लोग बहुत मुश्किल मिलेंगे भैया, जिनके चित्त में बस एक श्री ठाकुर जी का ही विचार हो, फिर भगवत संबंधी ही विचार हो, ऐसे बहुत कम मिलेंगे विशुद्ध हृदय। उनके तो दर्शन से ही दुख दूर हो जाते हैं भाई, उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता। जैसे श्री महाप्रभु जी, आचार्य चरण श्री वल्लभ महाप्रभु, उनके हृदय में भगवत संबंधी विचार होते थे, उसके अलावा और कोई दूसरा विषय उनके मन में नहीं रहता था। मेरे भाई बहन, हम लोग जाते हैं ना कहीं, तो हम लोगों को कम से कम अपने आसन का तो विचार रहता ही है, रहता कि नहीं रहता भाई, वहां बैठेंगे कहां, क्यों महाराज जी, कहीं जाते तो हमको कम से कम अपने आसन का विचार तो रहता ही है। कहीं कहीं पर हम लोगों को अपने सत्कार का भी विचार रहता है, भाई वहां पर कोई हमारी पूंछ भी होगी कि नहीं, कोई पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा। लेकिन श्री महाप्रभु जी कहीं भी जाते थे, उनको अपने स्वागत का, अपने आसन का कोई विचार नहीं होता था, वे सिर्फ भगवत संबंधी विचार करते थे। उनका स्वरूप ऐसा था भाई, कोई उनके लिए विशेष आसन बनावे या न बनावे, वे जहां पहुंचकर आसन लगाते थे वो स्थान सबसे विशेष हो जाता था। आज भी देखिए, जहां जहां श्री महाप्रभु जी ने बैठ करके श्री भगवत गुणगान किए, वहां सब जगह आज भी हजारों हजारों वैष्णव जाते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जारी भरते हैं, मनोरथ करते हैं, बताओ। लेकिन इतने बैठक जी हैं महाप्रभु जी के, बताइए किसी एक बैठक जी में भी कि जहां महाप्रभु जी के लिए पहले से कोई विशेष आसन बना के रखा गया हो। वहां गए, जो पेड़ देखा पेड़ के नीचे बैठ गए और वही विशेष हो गया। भैया जगत में कुछ विशेष आसन देख करके फिर जाते हैं, जगत में कुछ जन विशेष आसन का विचार करके फिर जाते हैं, और हमारे आचार्य चरण ऐसे होते हैं, वो जहां जाकर बैठते हैं वो विशेष आसन हो जाता है भाई, वो विशेष हो जाता है।